नमस्कार, स्वागत है आपका एक्सिस बैंक जॉब्स एंड वेलफेयर चैनल में। भूतपूर्व सैनिकों और सर्विंग जवानों के लिए महत्वपूर्ण दो खबरें सामने निकल के आ रही हैं, दो की वेलफेयर की समाचार हैं। जानते हैं पूरी डिटेल्स इस वीडियो के माध्यम से। उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि यदि आप पहली बार इस चैनल विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में घंटी का निशान जरूर दबाएगा, जिससे कि आने वाली हर वीडियो की अपडेट आपको टाइम पर मिल सके और आप उसका टाइम पर फायदा उठा सकें। सबसे पहला जो अपडेट कोविड 19 वैक्सीन के संबंध में है, जैसा कि आप लोगों को पता होगा दोस्तों कि कोविड 19 की वैक्सीन सरकारी अस्पतालों में काफ़ी दिन पहले से लगनी शुरू हो गई है, तो उसी संबंध में आर्मी के द्वारा एक अपडेट दिया गया है कि सर्विस अस्पतालों में सेवानिवृत्त सैनिकों और सशस्त्र बल कर्मियों के आश्रितों के टीकाकरण के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने मंजूरी दे दी है। काफ़ी दिनों से हमारे भूतपूर्व सैनिक इंतजार कर रहे थे कि हमें कोविड 19 की वैक्सीन कब दी जाएगी। इसके संबंध में दोस्तों आगे कहा गया कि कोविन प्लेटफॉर्म पर सशस्त्र बलों की चिकित्सा सुविधाओं के पंजीकरण के पूरा होने के बाद प्रक्रिया अगले सप्ताह शुरू होने की उम्मीद है। इस संबंध में दिशा निर्देश कुछ दिनों में जारी किए जाएंगे। तो दोस्तों अगले सप्ताह से कोविड 19 का वैक्सीकरण शुरू हो जाएगा, कोविड 19 की वैक्सीन लगनी शुरू हो जाएगी। दूसरी जो महत्वपूर्ण खबर निकल के आ रही है CSD कैंटीन से निकल के आ रही है, सभी जवानों भूतपूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों के लिए जिनके पास भी CSD कैंटीन कार्ड है वहाँ अपना पैन कार्ड जरूर ऐड करवा लें। तो दोस्तों इस निर्देश के अनुसार अगस्त 2021 तक सभी CSD कार्ड होल्डर अपने पैन कार्ड को CSD कैंटीन के साथ लिंक करवा लें। जो कार्ड दिसंबर 2019 से बन रहे हैं उनके ऑलरेडी पैन कार्ड उनके साथ लिंक किया जा रहा है, और जो पुराने कार्ड हैं उनमें पैन कार्ड लिंक नहीं है। तो दोस्तों सभी से निवेदन किया गया है कि अगस्त 2021 तक सभी अपने CSD कार्ड के साथ अपना पैन कार्ड लिंक करवा लें। तो दोस्तों यह महत्वपूर्ण अपडेट जो कि भूतपूर्व सैनिकों और जवानों के लिए महत्वपूर्ण अपडेट निकल के सरकार की तरफ से आ रही है। आज के लिए दोस्तों इतना ही। चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।